नमस्कार, रात के 2 बज रहे हैं और आप जुड़े हैं लोकल 18 भोपाल टीम के साथ। और भोपाल टीम भ्रमण में निकली थी, लेकिन देखिए भोपाल में ऐसे बहुत प्रोजेक्ट हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड तो लगा है, लेकिन शायद साल, 2 साल या कहें तो 5 साल से भी कोई प्रोग्रेस का नामो निशान नहीं है। और वैसी एक रोड है जो नादरा बस स्टैंड, भोपाल का सबसे मेन बस स्टैंड है, उसको ये भोपाल रेलवे स्टेशन से जोड़ती है, और जिसका भी भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का भी शहर में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। पिछले 10 सालों से बहुत काम चल रहा है, और उसी के तहत प्लेटफॉर्म नंबर 6 से अल्पना तिराहे तक की एक तरफ की रोड भी बंद की गई है, जिसके बाद बात करें तो इस रोड की बहुत महत्वपूर्णता बढ़ गई है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, और यहाँ पे देखिए धूल का अंबार, देखिए ट्रक यहाँ से निकल रहे हैं, सब चीजें यहाँ से निकल रही हैं, और बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अभी रात है, खाली है, लेकिन दिन में आप देखेंगे तो यहाँ पांव रखने की जगह नहीं बचती है। और इस रोड की ये हालत, तो आप समझ सकते हैं कि वर्किंग कितना प्रोग्रेस है और कितना यहाँ पे काम हो रहा है, और सरकार कितना ध्यान दे रही है इन चीजों पर। अब बात करेंगे कुछ और लोगों से, जानेंगे यहाँ की क्या परेशानी और कितने सालों से रोड नहीं बना है। क्या नाम लिखते हैं भैया? गुलाब सिंह। अच्छा, आप क्या यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, नाइट ड्यूटी। हाँ, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं रोड तो ये बना नहीं, और अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया, ये काफी दिनों से दिक्कत हो रही है, बहुत धूल मूल हो रही है, कुछ रोड मोड बना नहीं रहा है ये लोग काफी दिनों से। अच्छा, पता नहीं कब तक बनेगा, कब तक नहीं बनेगा। क्या नाम है इस रोड का? हमीदिया रोड। हमीदिया रोड स्टेशन, नादरा बस स्टैंड। नादरा बस स्टैंड। अच्छा, नादरा से भोपाल स्टेशन। हाँ, भोपाल स्टेशन। अच्छा, पूरी रात आप यहाँ रहते हैं, धूल रहती है? अरे पूरी रात धूल रहती है, क्या करें, हम ड्यूटी करना तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नौकरी के लिए करना ही पड़ेगा, नौकरी के लिए कुछ ना कुछ। अच्छा, कितने सालों से, कितने महीनों से कर रहे हैं? हम 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए, और तब से यही हालत है कि पहले? अभी करीब ये मान लो के 1-1.5 महीने से दिक्कत ज्यादा है। अच्छा, रोड की हालत पहले भी ऐसी थी, लेकिन अब धूल ज्यादा हो रही है। अब धूल ज्यादा हो रही है, 1-1.5 महीने से ज्यादा खराब हो गई। अच्छा, लोकल 18 के साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए आदमी कैसे सरवाइव करेगा, उसको कोई ना कोई बीमारी ऐसे में तो होनी ही है, फिर वो भले सिगरेट ना पिए, लेकिन सिगरेट वाला उसको एहसास कराया जा रहा है सरकार द्वारा। ये ऐसे प्रोजेक्ट या तो फिर आप बनाए ना, खराब रोड वो भी एक हद तक चल जाती है, लेकिन अगर वो उसी रोड के अगल बगल के हिस्से इतने क्षतिग्रस्त हो कि कहीं पे ऊंचाई और कहीं पे काफी ज्यादा गड्ढे वाली सतह हो जाती है, तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं और किसी की जान पे बनाती है। इसी जान पे नहीं बननी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन नगर निगम की जिम्मेदारी। अब देखें यहाँ पे अचानक ऊंचाई आ जाती है और मुरुम बहुत है, गिट्टी जिसे कहते हैं, और नीचे देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्लोप बन रहा है एक झूले की तरह, कि अगर कोई भी अचानक यहाँ पे ब्रेक वगैरह मारेगा तो यहाँ पे गिरने के चांसेस बिल्कुल, और इससे लगेगी भी क्योंकि गिट्टियाँ यहाँ पे पड़ी हैं। तो जैसा कि यहाँ पे सब बता भी रहे हैं कि ये पिछले 1-2 महीनों के बीच यहाँ पे काफ़ी हालात ख़राब हो रहे हैं, और अब देखते हैं प्रशासन इसको लेके क्या करता है, नगर निगम क्या करता है इसको लेके, और कितनी और सुविधा देता है जनता को, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस ही रहेगा। आप देख रहे थे लोकल 18 मध्य प्रदेश, मैं था आपके साथ अनुराग पांडे।